नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 25 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 33,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 737 नए मामले 23 जुलाई को रिपोर्ट किए गए थे, वहीं 1,083 मामले 22 जुलाई को देखने को मिले थे, जिसके बाद दोनों दिन को मिलाकर कुल मिला के 1,820 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद राज्य में प्रभावितों की कुल संख्या 33,511 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो 22 और 23 जुलाई को मिलाकर अरवल में 35, औरंगाबाद में 2, बांका में 4, बेगूसराय में 78, भागलपुर में 81, भोजपुर में 34, बक्सर में 12, दरभंगा में 22, गया में 147, गोपालगंज में 7, जमुई में 41, जहानाबाद में 39, कैमूर में 1, कटिहार में 26, खगड़िया में 31, किशनगंज में 11, लखीसराय में 30, मधेपुरा में 18, मधुबनी में 2, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 99, नालंदा में 21, नवादा में 7, पश्चिम चंपारण में 30, पटना में 561, पूर्वी चंपारण में 59, पूर्णिया में 31, रोहतास में 101, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 21, सारण में 121, शेखपुरा में 9, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 17, सिवान में 44, सुपौल में 1, वैशाली में 58। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 22,832 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 221 लोगों की जान जा चुकी है। कोविड-19 और बाढ़ नियंत्रण के लिए बिहार भाजपा जल्दी करेगी टास्क फोर्स का गठन। कोविड-19 और बाढ़ के बेलगाम बढ़ रहे मामलों को देखते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार इकाई के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही इस बैठक में बिगड़ते हालात और बाढ़ की समस्या को लेकर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया है। हालांकि विपक्षी दल इस मीटिंग को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। मीटिंग के दौरान कोविड-19 के रोकथाम, राज्य में बाढ़ के हालात जैसे मुद्दे पर पार्टी की भूमिका पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन सभी परिस्थिति से निपटने के लिए बिहार भाजपा इकाई को टास्क फोर्स का गठन करने का निर्देश भी दे दिया गया है। बाढ़ के दौरान बेघर हुए लोगों ने सड़क किनारे डाला डेरा। 18 जुलाई से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जल स्तर लाल निशान के ऊपर बह रहा है और यही कारण है कि बाढ़ का पानी कई जिलों में घुस चुका है और अधिकांश प्रखंड क्षेत्रों में बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है। इसी क्रम में सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के एक गाँव बाढ़ की पूरी तरीके से चपेट में है, जहाँ के लोग गाँव खाली कर चुके हैं और लोग उसी स्थान पर शरण ले रहे हैं। एक ओर जहाँ जिलावासी संक्रमण के बीच भारी बारिश और बाढ़ को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ प्रभावित लोग सड़क किनारे एनएच पर डेरा डालकर रहने पर मजबूर हो गए। बिहार में कोविड-19 के बेकाबू हो रहे मामलों को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार से मांगा जवाब। बिहार में बेकाबू हो रहे कोविड-19 साफ तौर पर सरकार की विफलता को दर्शा रहा है और यही कारण है कि हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में कोविड-19 के वर्तमान स्थिति पर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार सरकार से 7 अगस्त तक जवाब देने की मांग की है। कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहे लोगों का बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सेवा एवं अस्पतालों की लचर व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गई है। इतना ही नहीं, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कोविड-19 माहौल से निपटने, कोरोना की जांच और इलाज की व्यवस्था का पूरा ब्यौरा तलब करने को भी कहा है, जिसके बाद सभी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का विस्तृत ब्यौरा देने की बात कही गई है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन हुआ ठप। बागमती में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके कारण रेलवे ट्रैक और रेलवे पुल पर पानी का दबाव शुरू हो गया है। इसी को लेकर रेल प्रशासन ने समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया है। फिलहाल दरभंगा से खुलने वाली ट्रेन का परिचालन रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। अधिकारियों की माने तो समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के बीच हायाघाट हलवारा स्टेशन के बीच रेल पुल संख्या 16 पर पानी का दबाव बढ़ गया है। पानी पुल के गार्डर को छूने लगा है, जिसके बाद उक्त रेलखंड पर चलने वाले स्पेशल ट्रेन को परिवर्तित और आंशिक समापन पर चलाने का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 की वजह से सुपौल के एक डॉक्टर की गई जान। बिहार में कोविड-19 का सिलसिला बदतर होता जा रहा है। ताजा मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बिहार के सुपौल जिले में हड्डी के डॉक्टर महेंद्र चौधरी की कोविड-19 की वजह से जान चली गई है। मिली जानकारी के अनुसार उनका पटना एम्स में इलाज करवाया जा रहा था, हालांकि वो रिकवर नहीं कर पाए और बीते दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टर महेंद्र चौधरी के पहले समस्तीपुर के आर झा की जान भी पटना एम्स में चली गई थी। कोविड-19 की इस लिस्ट में जान गंवाने वालों के कई नाम शामिल है। माता की परेशानी को देखते हुए बिहार के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बना दी आटा गूंथने वाली मशीन। माता की परेशानी को देखते हुए इंजीनियरिंग छात्र ने आटा गूंथने वाली मशीन बना दी। माँ और बहन की परेशानी से प्रेरणा लेते हुए ऑटोमेटिक मशीन बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे छात्र निशांत कुमार ने एक नया उपकरण बना दिया है, जिसे आसानी से घर के उपयोग में लाया जा सकता है। इनके द्वारा बनाई गई मशीन से 5 मिनट में 3 लोगों की रोटी के लिए आटा गूंथ कर तैयार हो जाता है। इसमें 100 RPM का गियर मोटर और 12 वोल्ट का एडॉप्टर से पावर दिया जाता है। इसे पेटेंट कराने की योजना है।
बिहार के 10 जिलों में बाढ़ प्रभावित परिवारों को दिए जाएंगे 6,000 रुपए। बिहार में मौजूदा बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों के हर एक प्रभावित परिवार को सरकार की तरफ से 6,000 रुपए की राशि दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही बाढ़ के कारण जिन भी लोगों के मकान को नुकसान पहुंचा है या जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, सरकार उन्हें भी सहायता राशि देगी। इसके साथ ही मवेशियों को नुकसान पहुंचाने पर सरकार सहायता देगी। बाढ़ प्रभावितों को सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को अविलंब सूची तैयार करने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजस्व विभाग के तबादले पर लगाई गई रोक के बाद बीते दिन हुआ तबादला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के राजस्व विभाग में तबादले की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद बीते दिन एक बार फिर से बिहार के राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है उसमें अंचल अधिकारी समेत कई अन्य पदाधिकारी का नाम मौजूद है। इनमें सीईओ प्रभारी, सीईओ बंदोबस्त पदाधिकारी समेत अन्य लोगों का नाम शामिल है। लालू यादव ने बिहार में नीतीश सरकार को हटाने का फिर गढ़ा नारा। तेजस्वी यादव के बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार से नीतीश कुमार की सरकार को हटाने को लेकर नया नारा गढ़ दिया है। लालू यादव ने कहा है कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है वो अब कबाड़ हो गई है, उसे बिहार की जनता परेशान है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि डबल इंजन की सरकार में ईंधन नहीं बचा है, दोनों इंजन कबाड़ हो गए हैं, इनके कबाड़ के जुगाड़ से बिहारी परेशान है, जल्दी हटाओ इन्हें बिहार से। लालू प्रसाद यादव ने इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोविड-19, बाढ़ और बिहार की जनता की परेशानी को लेकर कई बार घेरा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा तेजस्वी यादव की दावेदारी पर उन्हें कोई एतराज नहीं। बिहार में महागठबंधन में फूट साफ साफ नजर आ रही है। पहले हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपना बगावती तेवर दिखाया था, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा थोड़े नाराज दिखाई दे रहे थे, मगर अब उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को नेता मान लिया है, जिसके बाद जीतन राम मांझी बीच मझधार में फंसे नजर आ रहे हैं। जब मांझी बीच मझधार में फंस गए हैं तो भला उन्हें कौन बचाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अब अपना स्टैंड बदल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीएम पद पर तेजस्वी यादव की दावेदारी पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। कुछ दिनों पहले तक उपेंद्र कुशवाहा ने मांझी के साथ मिलकर समन्वय समिति की मांग करते देखे गए थे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्रुति झा की। घर घर में प्रज्ञा के नाम से पहचान बनाने वाली श्रुति झा का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में 26 फरवरी 1986 को हुआ था। श्रुति झा को उनके उम्दा एक्टिंग के लिए इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन लीड रोल, ITA अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज एंड गोल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन लीड रोल में भी नवाजा जा चुका है। बेगूसराय जिले में जन्मी श्रुति झा ने अपनी पढ़ाई कोलकाता से पूरी की थी, जहां पर वो 10 साल तक रही थी। उसके बाद वो नेपाल रहने चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने नई दिल्ली का सफर तय किया था, जहां पर उन्होंने लक्ष्मण पब्लिक स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने साल 2007 में पहली बार डिज्नी इंडिया के लिए धूम मचाओ धूम में काम किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने जिया जले में भी सुनैना कोटक का किरदार निभाया था। उसके बाद साल 2014 से लेकर अब तक श्रुति कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा का रोल निभा रही है। चंद्रिका राय के सामने लालू प्रसाद यादव ने उतारा लाल राय को। राजनीति में दलबदल की प्रथा सदियों से चलती आई है, इसी का प्रमाण पेश किया है राजद ने भी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार अपने समधी चंद्रिका राय की तरफ से विधानसभा चुनाव में मिलने वाली चुनौतियों से निपटने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने चंद्रिका राय के बड़े भाई विधान रॉय की बेटी करिश्मा रॉय को पार्टी में शामिल किया था, और अब उन्होंने अपने समधी के खिलाफ एक नया उम्मीदवार खोज लिया है। जदयू से 2 बार विधायक रह चुके लाल राय को लालू प्रसाद यादव ने निर्देश पर तेजस्वी यादव ने पार्टी में शामिल कर लिया है। बीते दिन रिलीज हुई दिल बेचारा की आए इमोशनल रिव्यू। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को अपने वादे अनुसार 24 जुलाई को 7:30 बजे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लॉन्च किया गया था। फैंस को सुशांत सिंह राजपूत की इस आखिरी फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म में दर्शकों को कॉमेडी, रोमांस और इमोशंस का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। आपको बता दें, फिल्म दिल बेचारा हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की हिंदी रीमेक है, और यह फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी और यह 2012 में आई किताब पर आधारित है। 3 अगस्त से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। 3 अगस्त से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। 3 से 6 अगस्त तक मानसून सत्र जारी रहेगा, लेकिन इस बार सत्र की बैठक विधानसभा और विधान परिषद के हाउस में आयोजित नहीं करवाई जाएगी। मानसून सत्र की बैठक पटना के अशोक कन्वेंशन केंद्र परिसर में स्थित विज्ञान भवन में आयोजित करवाई जाएगी, जिसके लिए राज्यपाल से अनुमति मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार 3 से 6 अगस्त के बीच होने वाली इस बैठक में कुल मिलाकर 4 बैठक होंगे। पहले दिन शपथ या प्रतिज्ञान अध्यादेश की प्रतियां सदर पटेल पर रखी जाएंगी। अगले दिन राज्य के विधायक एवं राज्य के कार्य किए जाएंगे। वहीं 5 अगस्त को प्रथम अनुपूरक पर वाद विवाद मतदान पर चर्चा होगी और 6 अगस्त को गैर सरकारी संकल्प के लिए निर्धारित किया गया है।
पिछले 5 दिनों में 22 लोगों ने बिहार में किया प्लाज्मा डोनेट। कोविड 19 की गंभीरता को समझते हुए कुल मिलाकर 22 लोगों ने आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की पहल से शुरू की गई इस योजना के तहत 5 दिन के अंदर ही 22 लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। इन कोविड 19 योद्धाओं द्वारा प्लाज्मा डोनेट किए जाने से कोविड 19 संक्रमण से गंभीर रूप से बीमार कई मरीजों की जान बचाई जा सकी है। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पिछले 4 दिनों में 26 कोविड 19 योद्धा आगे आए हैं। इनमें से 4 लोग जांच के पैरामीटर में सही नहीं पाए गए हैं, जिस कारण कुल 22 लोगों का प्लाज्मा सफलतापूर्वक डोनेट किया गया है। एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में खाद्य सामग्री की होगी ड्रॉपिंग। बिहार में कोविड 19 संक्रमण के बीच बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है और इसी को ध्यान में रखते हुए सूचना सचिव अनुपम कुमार ने बताया है कि कोविड 19 की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार सरकार के स्तर पर गहन समीक्षा की जा रही है। इतना ही नहीं, बाढ़ प्रभावित इलाके में 3 हेलीकॉप्टर की मदद से खाद्य सामग्री को एयर ड्रॉपिंग करने की योजना की जानकारी देते हुए बताया गया है कि 25 जुलाई और 26 जुलाई को 2 हेलीकॉप्टर दरभंगा से संचालित होगी, जो दरभंगा एवं मोतिहारी के लिए रवाना होगी और 1 हेलीकॉप्टर को पटना से संचालित किया जाएगा। बिहार में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। राज्य में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बिहार ब्रांच की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता ने उक्त मामले को लेकर विज्ञापन को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने अदालत को कहा था कि रोशन के मुताबिक नेत्रहीन दिव्य को 400 में से मात्र 98 सीट ही आरक्षित की गई है, जो कि पर्याप्त नहीं है। हालांकि अब 19 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई के बाद इस पूरे मामले पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोविड 19 के इस माहौल में केंद्रीय करों में अब तक 17,000 करोड़ से ज्यादा की मिली हिस्सेदारी। उक्त दावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि चुनौतियों का सामना कर रही बिहार सरकार के लिए केंद्रीय करों में लगभग 17,000 करोड़ से ज्यादा की हिस्सेदारी मिल चुकी है। जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए साल 2019-20 का कुल 5,307 करोड़ आखिरी किश्त के तौर पर बिहार सरकार को मिल गया है। इतना ही नहीं, साल 2020-21 में केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सेदारी के रूप में जुलाई महीने की किश्त 4,222.01 करोड़ के साथ अब तक कुल मिलाकर बिहार को 17,708.34 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। राजद द्वारा जमीन लिखवाने के मामले में ललन सिंह और बद्री पूर्वे आए आमने सामने। लालू परिवार के खिलाफ एक बार फिर से जमीन लिखवाने का मामला सामने आया है। जदयू के सांसद ललन सिंह द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार लोकसभा चुनाव 2019 में टिकट देने के एवज में राजद के दफ्तर के नाम पर बद्री पूर्वे ने दरभंगा के लहरिया सराय में जमीन लिखवाई गई है और उसे वीआईपी टिकट से टिकट दिलवाकर मधुबनी से चुनाव में उतारा गया है। उसके बाद बद्री पूर्वे अब तेजस्वी यादव के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जमीन तेजस्वी यादव के नाम पर नहीं बल्कि राजद पार्टी कार्यालय खोलने के लिए 2018 में मेरे दूर के रिश्तेदार ने दान दी थी। इस मामले में मैं एक माध्यम मात्र था। पप्पू यादव ने बाढ़ और कोविड 19 को लेकर सरकार पर लगाए आरोप। जहां प्रमुख पप्पू यादव ने कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए साथ ही बिहार में बाढ़ की बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार पर आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने मोतिहारी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के दौरान लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए हैं। साथ ही सरकार को लेकर खूब बयानबाजी भी की है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में बाढ़ एक राजनीतिक आपदा है, इसे नेता और पिछड़ागु ठेकेदार मिलकर लाते हैं। सरकार पूरी तरीके से गूंगी और बहरी हो गई है। कोविड 19 के कहर से बचने के लिए ऐसे नाजुक मौके पर भी नीतीश सरकार और उसके सहयोगी चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक स्थिति है। बाढ़ को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को लिया आड़े हाथ। तेजस्वी यादव आए दिन बिहार में कोरोना और बढ़ रहे मामले को लेकर के साथ ही बाढ़ की चपेट में आ रहे लोगों को लेकर के सरकार को घेरते नजर आए हैं। इसी क्रम में बीते दिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सरकार का सोच सक्रियवादी दृष्टिकोण से होना चाहिए, जबकि सरकार की सोच प्रतिक्रियावादी सोच है। आप देख रहे हैं कि लगातार तटबंध टूट रहे हैं। बीते दिन चंपारण तटबंध भी टूट गया है और लगातार इस तरह की खबर सामने आ रही है। कहीं अप्रोच रोड टूट रहा है तो कहीं तटबंध। सरकार प्राथमिकता देकर इन सभी कार्यों को क्यों नहीं करती? उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी सन्यासी बनने की नसीहत। सरकारी नौकरी में अनफिट कर्मचारी और अधिकारियों को सेवानिवृत्ति देने के मामले में सियासत गर्मा गई है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सन्यासी बनने की सलाह दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके कहा है कि शुरुआती स्वयं से क्यों नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, 15 साल से बिहार को रसातल पर आपने पहुंचा दिया है। आत्ममंथन और ईमानदारी से यदि खुद की समीक्षा कीजिएगा तो आपके लिए सन्यासी जीवन ही सर्वोत्तम विकल्प होगा।
इस साल का आईपीएल कायम कर सकता है कई रिकॉर्ड, जिसकी आशंका किंग्स इलेवन पंजाब के सह मालिक नेस वाडिया ने जताई है और कहा है कि इस साल यूएई में होने वाले आईपीएल टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सत्र साबित होगा। हालांकि उन्होंने आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों की रोज जांच करवाने की पैरवी भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैदान के भीतर और बाहर भी सुरक्षा को लेकर सख्त प्रोटोकॉल अपनाने होंगे ताकि आईपीएल सुरक्षित और सफल हो सके। कोई भी खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 जांच करवाना चाहता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन बृजेश पटेल ने इस बात की पुष्टि की है कि 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल का आयोजन करवाया जाएगा, जो कि 8 नवंबर तक जारी रहेगा। सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ट्विटर कर रहा है विचार। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पिछले कुछ समय से हाई प्रोफाइल हैकिंग को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन कंपनी ट्विटर के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल का ऑप्शन तलाशने में जुट गई है। ट्विटर के फाउंडर और सीईओ ने हाल ही में अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि कंपनी पैसा कमाने के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल के बारे में विचार कर रही है। और गौर करने की बात यह है कि ट्विटर का मुख्य सोर्स ऑफ इनकम विज्ञापन है और पिछले कुछ समय से इसमें गिरावट दर्ज की गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रदीप कुमार, रोहित सिन्हा, शशि कुमार, उजाला चौधरी, अमरजीत दास, गीता कुमारी, योगेंद्र कुमार, भागीरथी महत्व, अशरफ अंसारी, रजनीश बाबू, संतोष मिश्रा, मुन्ना कुमार, काजल कुमारी, राजीव राज, अफसल हुसैन। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार को और कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।